गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पिछले सेशन में स्टेंसिल बनाना बताया गया था, तो उसी क्रम में हम आगे जो टूथब्रश स्प्रे प्रिंटिंग टेक्निक है उसके बारे में हम आपको कुछ बताएंगे, आपको एक लाइव डेमो देंगे। तो देखिए, मेरे पास ये जो एक स्टेंसिल है, इसमें जो कर्नाटका का स्टेट जो फ्लावर है उसकी मैंने स्टेंसिल यहाँ पर ली है। तो इसमें हम जो स्प्रे करेंगे वो टूथब्रश से करेंगे, ये हमारी इनिशियल टेक्निक है। तो इसमें हम आपको स्प्रे करके दिखाएंगे कि कैसे जो इसका जो ये कटा हुआ पार्ट है इस पर टूथब्रश से कलर को डिप करके और इस पर स्प्रे किया जाएगा। तो जो कटा हुआ पार्ट है उससे कलर जो हमारे इसके नीचे जो सरफेस होगा उस पर कलर आ जाएगा, यानी कि जो स्प्रे किट जो ड्रॉप्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे हम जो हमारे जो लोटस की स्टेंसिल है इसको हम पेपर पे फिक्स करेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे फिक्स होनी चाहिए अच्छे से, इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ऐसे आप दीवार पे भी ऐसे फिक्स कर सकते हो स्टेंसिल को। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो टूथब्रश है, जो ये पुराना टूथब्रश है, उसको कलर में डिप करूँगा। और इसको मैं प्रेस करूंगा और पीछे की तरफ मैं इसको धकेलूंगा। तो ये ऐसे आप स्प्रे करोगे। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपके पास जो स्प्रे में जो ड्रॉप नीचे आ रही हैं उनका साइज सेम होना चाहिए। धीरे धीरे से आप ऐसे स्प्रे करोगे। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आप स्प्रे करोगे, जो आपकी ड्रॉप हैं उनका साइज़ सेम होना चाहिए और जो आपकी स्टेंसिल है वो बिल्कुल ऐसे सटी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी टूथब्रश स्प्रे प्रिंटिंग टेक्निक है। इससे मैंने जो कर्नाटका का जो स्टेट फ्लावर है लोटस, उसको मैंने बनाया है, उसका प्रिंट लिया है स्प्रे से। तो ऐसे आपको भी जो कर्नाटका के जो स्टेट एलिमेंट्स हैं, जो कल्चरल एलिमेंट हैं, उनकी स्टेंसिल बना के ऐसे आपने ये प्रिंट लेने हैं। ये आपके लिए असाइनमेंट होगा, आप इस टेक्निक को दोहराओगे। आशा है आपको मेरा ये अभियान, ये जो मेरी ये लाइव डेमो है, ये पसंद आया होगा और इसे आप फॉलो करोगे। थैंक्स।